निहायत में असर होता है, इसलिए हम बरकत के लिए चंद अशआर पर इत्तेफाक करते हैं, वरना जी चाहता है कि कलाम को मजीद सुना जाए। क्योंकि आज हमारे प्रोग्राम में हमारे दो मेहमान हमें अपने फवाज़ हसना से नवाज रहे हैं, जनाब मखदूम मोहतरम बरादर मुकर्रम हजरत अल्लामा मुफ्ती मुश्ताक अहमद नूरी साहब, चेयरमैन तहरीक फरोग़ इस्लाम, प्रिंसिपल जामिया शहाबिया इचरा, सदर तंजीम उलमाए अहले सुन्नत इचरा। इनके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आलम नबी फाजिल जलील और मुजाहिद नामूस रिसालत हजरत अल्लामा गुलाम अब्बास फैज़ी साहब, उम्मीद है कि 6 बजे के लगभग उनकी आमद है और 6 बजे तक प्लस माइनस करके अल्लामा नबी साहब अपने बयान को जो है वो पैटर्न करेंगे। बबा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है रसूल के गुलामी है, रसूल में बहुत ही कबूल है। ये कैसी ठंडी ठंडी गुलामी है। आप आज का प्रोग्राम जो है ये बतौर खास अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा हाफिज़ ख्वाजा हुसैन नदवी रहमतुल्लाह अलैह के मुनासबत से भी है, तो उनके तो नाम से जो है वो खून में जोश पैदा होता है जी। जादू वो जो सर चढ़ के बोले। अल्लाह पाक ने अल्लामा खादर हुसैन रिज़वी की खिदमत को मुस्तफ़ा करीम के साथ उनकी वाबस्तगी को ऐसे जाहिर कर दिया जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया था कि हमारा फैसला जो है वो जनाजे से होगा, हमारा फैसला जनाजे में होगा, और अहले मोहब्बत के फैसले ही जनाजों से होते हैं। मुमताज कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे ने फैसला कर दिया था कि मुस्तफा की नामूस का मुजाहिद काजी जो मर्तबा और मकाम पाता है उसके जनाजे में एक ईमान ताला हो जाता है, और फिर काजी उमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बाद आज तक कोई ऐसा राजपाल पैदा नहीं हुआ था, और उसके बाद जब पैदा हुआ जिसे गवर्नर पंजाब होने का ये बदबख्त जब गवर्नर पंजाब था सलमान तासीर जिसका बाप भी अपना नहीं था, तो सलमान तासीर जैसे शख्स को जो उस वक्त का बड़ा राजपाल था, बहुत बड़ा मुस्ताक था, उसको कैफे किरदार तक वासले जहन्नम पहुंचाने के लिए अल्लाह पाक ने मुमताज कादरी शहीद का इंतखाब किया, और फिर हमेशा के लिए मुस्तफा करीम की तौहीन करने वालों के लिए उनके सीने पर मोम तलने के लिए हाफिज खादिम हुसैन रिज़वी की सूरत में अल्लाह पाक ने मुजाहिद पूरी दुनिया को अदा किया। वो किसी एक फिरके गिरोह जमात या किसी एक मसलक का नुमाइंदा नहीं था, वो अकीदा खत्मे नबुव्वत इज्तिमाई अकीदा खत्मे नबुव्वत का वो ऐसा सफी और ऐसा मुजाहिद था जिसने साबित कर दिया है कि मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और अल्फाज़ और मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा। आपने देखा होगा हाफिज़ खादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह को जब जलसों में आते ही देखते हुए बलबला पैदा होता था, लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक के नारे लग जाते थे। अब मैं क्योंकि ज्यादा वक्त मौलवी साहब का ले रहा हूँ इसी पर इत्तेफाक करता हूँ, मैं बिला ताखीर आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से जैसे चाहे अपने मौजू का इंतखाब करें। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। الذي
بدریون غنیون ولیون سمدیون حیون قیوم فنشهدن سیدنا وسندنا وملجانا وماوانا افضلنا واكملنا واعلانا واولانا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تجاوز جنوبهم عن المضاجع وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال في حديث قدسي اوليائي تحت ردائي وقال الله تبارك وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك وصحبه يا سيدي يا سيدي يا رحمه للعالمين انتہائی عزتوں کے لئے محترم المقام الدرباب حضرت العلام مولانا محمد قاسم علوی لاکھوی رحم العالی اور قدیم مسجد جامع آزاد حضرت علامہ حافظ قاری محمد رضوان علوی انتہائی عزتوں کے لئے علماء کرام کثیر تعداد میں موجود ہیں سامعین و ناظرین اور نوجوانان تحریک فروغ اسلام دوستو بھائیو اور بزرگو اولا ہدیۃ تبریک پیش کرتا ہوں کہ جرات کے ساتھ اس محفل کا انعقاد کیا دو حوالوں سے دوسرا یہ کہ مسجد بھی انتہائی خوبصورت بنا دی جن دوستوں نے اس میں حصہ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے روزی عطا فرمائے من حیث لا یحتسب جہاں انہیں گمان بھی نہ اللہ کے ذکر کی جگہ ہی ہے اس لیے میں نے یہ بات بھی کہی رہی بات یہ کہ حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی بغدادی سید زینی سید فارسی کا بھی ایک مقولہ ہے عربی کا بھی مقولہ ہے کہ دیکھی ہوئی چیز اور سنی سنائی یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں قطب العالمین صاحب نے وہاں کی جگہ دیکھی ہے پیران پیر کے گلی بازار شہر دیکھے ہیں وہ زیادہ اس کے بارے جو ہے بیان کرتے تاکہ اس کے لیے جو ہے ہم سنتے بھی اور معلوم بھی ہوتا کہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے اور صوفیا کے ماننے والے وہ کس طریقے کے اوپر سیرت کو بیان کرتے ہیں اور جہاں تک گئے رضوان صاحب کا تعلق ہے میں یہی کہوں گا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم تو بوڑھے ہو گئے جوانوں کو پیروں کا استاد کر دے اللہ تعالیٰ ان کی جوانیوں کو بے داغ بنائے اور بوڑھوں کا رہنما ویسے بھی میں تحریک فروغ اسلام کے ساتھ ہی موقع کرتا ہوں کہ آخر شرادی کر چہرے اور فرماتے ہیں شدے پیرے باقی سیاں چشم آدارے کہ جرم بابا جوان آنے بارسا باشنگ بوڑا ہو گیا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک نوجوان سیدھی راہ پہ آ جائے اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یہ جوان ہے اللہ تعالیٰ ان کی جوانیوں کو بے داغ بنائے تو اس لیے میں نے یہ بات کہی اب آتے ہیں موضوع کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تعریفوں کے رہ گئے ہم تو ستائش کے رہ بھی ہوئی ہے سب کچھ اس نے بنایا ہے وحدہ بڑا شریک ہے یکتا اور تنہا ہے یہ جو مالک کے سماوات خالق کے کائنات کی تو جیت ہے اس کو بھی
अंबिया ने और सूफिया ने सिखाया है। कोई कहे कि मैं तौहीद परस्त हूँ तो तौहीद परस्त कहने से तौहीद परस्ती नहीं आती है। जिसको ये भी मालूम ना हो कि लिसानी जाकिर क्या होता है, कलबी जाकिर क्या होता है, रूही जाकिर क्या होता है और अनफुस क्या है, रूह क्या है और नफी और इस बात का भी पता ना हो और वो दावा करें कि मैं तौहीद जानता हूँ तो मेरा ख्याल भी झूठ बोलता है। तौहीद सूफिया ने सिखाई थी जिन्होंने नजर के जरिए से सिखाई थी। नजर के नाती देविया वो सोना करते वट ज्यादा बढ़ाइया रख दिया क्या सैयद क्या जट बहुरे रामत फरमाते। नजर में कीमिया गई हो गई तो फिर वो इधर उधर नहीं देखते, वो कीमिया गई नजर के अंदर जो है वो इस कायनात की तकदीर बदल देता है। इसकी नजर पे कीमिया गई और जो दूसरी तरफ है वो कहते नहीं कि हमारी तरह है, नबी भी हमारी तरह है, वली भी हमारी तरह है, दो आंखें हैं, दो कान हैं, दो हाथ हैं, दो पाँव हैं, खाते पीते चलते उठते बैठते हैं हमारी तरह, वो ये कहते हैं। और अब सुनते हैं हमारे साथ भी वहाँ पड़ता है बोल दिया हमारी जो है इंसान तो एक ही तरह के होते हैं सारी। मैंने कहा यहाँ खड़े हो गए इन लोगों के सामने कह दिए कि मेरी बीवी जो है ये मेरी माँ की माने दे, मेरी बीवी की आँखें मेरी माँ की माने, उसका हाथ मेरी माँ की माने। मैंने कहा कह दिए कितने लोग सुन रहे थे, बाद में बात करेंगे इसका क्या मतलब है। मैंने कहा मतलब तुम यार बीवी माँ की माने नहीं हो सकती, बहन बीवी की माने नहीं हो सकती है, तो जब ये पांच उंगलियां बराबर नहीं, दुनिया साफ फरमाते हैं कच भी मणका लाल भी मणका इको रंग दो मांदा, कच भी मणका लाल भी मणका इको रंग दो मांदा, सद सराफा मुल कराइए पद हजार को मांदा। भाई रंग भी एक हो, शक्ल भी एक हो, सूरत भी एक हो, एक सराफ बताएगा ना कि ये कांच है और ये हीरा मोती की कीमत क्या, ये बराबर नहीं है, ये सराफ से पूछना पड़ेगा। तुम्हारे को एक लहर में लगाओ तो बात नहीं करता। इसलिए तो ईद जो सिखाई है वो सूफिया कराम ने सिखाई है और यह कराम ने सिखाई है। और अगली बात यह है कि नजर के जरिए से सिखाई है और जिक्र के जरिए से सिखाई है। मैं सारी बातें पीरा नजीर की जो है बातें आपको बता, एक नजर से सिखाई, एक जिक्र से सिखाई। अब जहां तक नजर का ताल्लुक है वह बहुत रहमत फरमाते हैं मुर्शिद हो गए ऐसा जरा धोबी वांगू छटे हो नाल निगाह के पाप करेंदा जरा भी मैं न रखे। ये नहीं है कि जना को ऐसे ही और बल्कि फरमाते हैं ये कलमा मैंने पीर पढ़ाया मैं पढ़े हो क्यों पढ़ी मैं पढ़ता भी नहीं क्यों पढ़ा जाता है, ये मेरे मुर्शिद ने मुझे पढ़ाया है, मेरे जो है राहबर और रहनुमा ने मुझे पढ़ाया, ऐसे नहीं मैंने पढ़े हो क्या पढ़ी मैं ये कलमा मैंने पीर पढ़ाया तो ये सिखाने के लिए सूफिया आया और
इन्होंने भी शेख अब्दुल खालिद जिलानी जिलानी बगदानी जो एक मौजूद चलता है कि ये जो है वादा पर वजूद है, ये वादा की शहूद है। और आज तक हमें तो समझ नहीं आई मौलियों को, अगर कि हमने दरवाजा खटखटाया सूफिया का भी, हजूर पीर बेर अली शाह साहब का भी पढ़ा कि ये वादा पर वजूद क्या है, वादा की शहूद क्या है। हम आपके सामने आ गए कि जनाब बड़े पढ़े लिखे होंगे, बड़ा सही, मुझे तो कुरान का तर्जमा भी नहीं आता, मैं दूसरी बात करता हूँ। लेकिन जो है लोगों के सामने रो बना हुआ है कि जनाब आलिम है, हालांकि तो कुरान का तर्जमा भी सही तरीके में मुझे नहीं आता। इसी बात वादतुल वजूद सूफी कहता ये है, इरा नबी की बात सुनाने लगा, वादतुल वजूद है क्या? जिस चीज के अंदर की तेरी निगाह जाए उसमें तुम्हें अल्लाह नजर आए, पत्थर में ये उसने रंग भरे और तुम्हारे के लिए तुम्हें अल्लाह नजर आए, दरख्त चहिन परिंद नबकात हैवानात पिछड़ा तुरंत जिया कायनात उसके अंदर देख के पत्तों के अंदर नीचे से 80 फुट पानी नीचे जाता है, 80 फुट ऊपर बुलंद दरख्त के आखिरी पत्ते तक पानी पहुंचा देता है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि ये दरख्त क्यों है, चरिंद परिंद क्यों है, जानवर क्यों है, हमें और फिक्र नहीं करते हैं कि कुरान ने दावत। तो वादतुल वजूद के जो लोग हैं जैसे बुले शाह फरमाते हैं, ये मैं तैनू बाहर देखा मेरे अंदर कौन से मान, ये तेरे मैं अंदर देखा कि फिर मुकैद जान, अंदर तू है बाहर तू है तू ही तू है तू ला कौन है। हालिक कहना हर जगह के ऊपर है, ये कौन सिखाता है? ये सूफी सिखाता है, वली सिखाता है। ये अगली बात कि आज इस पुर फितन दौर के अंदर हम रहे हैं, मैंने ये कहा कि तौहीद किसने सिखाई है, ये वली सिखा रही। मैंने कुरान हकीम की आयत तिलावत की, सजदा सूरत सजदा में उसका हिस्सा मैंने, अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह के मकबूल बंदे जो है उनके पहलू, उनके पहलू कहते जाफा जुनूबम, उनके पहलू अपने बिस्तरों से अलहदा रहते हैं, अलहदा रहते हैं। अल्लाह के मकबूल बंदे सोते भी नहीं, सोते भी नहीं है और रोते भी हैं। या तो हम सोते होना तो फिर रोते हो, तो हम तो सोते भी ना रोते, वो सोते भी नहीं है और रोते भी। अब इसके ऊपर से मैं जो है कैसे वो बिस्तरों के ऊपर नींद होती है, मैंने ये फुला कंपनी का जो है ये फोम होना चाहिए और फुला में नींद नहीं आती और फुला में आती है, हम इसी झगड़े में इसी कच मुकच में इसी के अंदर। लेकिन सैयदा उम्मे सलमा सलाम अलैहा अम्मा जी ने एक चादर को दो रकात के बिछाया, जब दो रकात के बिछा दिया तो आका करीम ने फिर फरमाया कि सलमान को उठाओ, ये सुबह के उठने में माने हैं, ये सुबह उठने नहीं देते, ये नरम भी सर उठने देते नहीं, उठने देते जनाब। हमने कहा नहीं जनाब, नरम मित्रों के ऊपर दौड़ा है बहुत ज्यादा फूम ले आओ, ऐसा नरम की सुबह की नमाज ना पढ़नी पड़े, क्या बड़ी गली नहीं पड़ी। और आगे सहाबा करम को देखें तो कम अज कम तारीख का एक जुमला याद रखेंगे जिसको ईरान के जो है उस किसरा ने एक एजी भेजा था और कहा था कि जाओ पता करके आओ ये भेड़ बकरियां चराने वाले, नंगे पांव फिरने वाले, सांड का गोश्त खाने वाले हमारे मोहल्ला के दरवाजे खटखटाने का क्या है। और उसने वापस आके जुमला बोला था, उनका जी वो कैसे हैं, कहा कि तुम उनको पता नहीं कर सकते, कहा क्यों नहीं कर सकते, कहा इसलिए कि हम फिर लैल रब्बान हम फिर नहार फुरसान, रात होती है तो राहिबों की तरह खड़े हैं सारी रात और दिन होता है तो सारा दिन घोड़े की पीठ के ऊपर होते हैं, जो सारा दिन घोड़े की पीठ पे सारी रात खड़ा है उसको कैसे पता करेगा, पता नहीं कर सकता है। आज वो जो युवा ने कहा था कि रुलाती है मुझे जवानों की तन आसानी, हाँ सोफे तो है तुम्हारे फरंगी कालीन है ईरानी, रुलाती है मुझे ये जवानों की तन आसानी, ये हज हरामी तन आसानी इसने मुसलमानों को खराब किया। मेहमान तो मुसाफिर की माने था, मुसाफिर आया था, मुसाफिर की जिंदगी गुजार के चला जाता, लेकिन वो जो है हम उधर नहीं आए जनाब, हम दूसरी तरफ चल पड़े, दूसरी तरफ चले। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कितने मेरे बंदे हैं, और अल्लाह तआला फरमाता है ऐ महबूब मैं अज़ाब इनको इसलिए नहीं देता कि आप इनके अंदर हैं, और फिर इनमें ऐसे लोग हैं जब सारे सोए होते हैं तो पिछली तरह उठ के गिड़गिड़ा के उनके याद करते हैं, इन्हें अज़ाब नहीं देते। इसका मतलब यह है कि पिछली रात को उठ के गिड़गिड़ाता है वो अल्लाह तबारक व तआला से मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब को रोक देता है। हम कहते नहीं कि असी जनाब बच गए, साढ़ा कोई कमाल है, साढ़ा कड़ा कमाल है जनाब, अल्लाह तबारक व तआला के वलियों के सदके में हम बचे हुए हैं, बचे हुए जो सारी सारी रात रोते हैं गिड़गिड़ाते अल्लाह की बारगाह में, रोते हुए अल्लाह की बारगाह में सारी रात गुजारने। हमें
रहेंगे, सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मेरी दुकानी रात सौ रुपए 12 बजे तक बैठे नौजवानों ने कानों को टूटियां लगाई हुई है, बिस्तर में भी टूटी है, सुबह उठना नहीं है, कोई बरकत कोई नहीं जी, पता नहीं साढ़े धर्म को रिस्क कोई नहीं जी, बरकत ही चली गई जी, पता नहीं की हो गया। फिर सहूर है बरकत, सुबह के उठने में ही बरकत है, बाकी काम बाद की बात है, सुबह उठा करो, सुबह के उठने में ही बरकत है। हमने कहा 10 बजे उठना है, 11 बजे मार्केट खुलनी है, हम तो आराम से उठेंगे, आराम से लेकिन कम से कम इन बातों के ऊपर गौर और फिक्र करना है आपने। जो मैं बात जो है नौजवानों को समझा रहा हूँ, पूरे तो पहले ही बुजुर्ग है, वो उनके तजर्बे बड़े हैं, लेकिन मैं जवानों की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद अगली बात कि अगर बिस्तर आराम और नरम हो, हजरत शहीद बिन मुसैयब आपसे पूछा गया कि रातों को नींद क्यों नहीं आपको आती, क्यों नहीं सोते, कहा खबर के वाशक दाशक मेरे और असाब ने 30 साल हो गए मुझे मेरा बिस्तर ही छीन लिया, 30 साल हो गए बिस्तर ही छीन लिया। अब बताओ जरा जो 30 साल तक बिस्तर पे नहीं सोया उसका क्या हाल होगा, क्या हाल होगा, हमें तो कब्र का आजाब भी कभी नहीं जाता है, कभी आया कब्र का आजाब कि हमने जाना है, घर वालों ने घर से निकाल देना है और फिर जो है जाके जो कुछ करना है मट्टी डाल देनी है, ना खिड़की है ना वहां कोई बचाने वाला, किसने बचाना है, कौन सी रोशनी है, कौन सा जो है अमल का माना है, कब्र में कोई पूछने वाला नहीं होता, शमे भी जलाओ तो उजाला नहीं होता, कम अज कम गौर और फिक्र करना चाहिए कि कब्र में हमारे साथ क्या होगा, क्या होने वाला। हजरत उमर बिन खत्ताब दरख्त के नीचे सोए और वो भी थोड़ी देर के लिए रेत को इकट्ठा करके रेत के ऊपर सर रख के पसीने से जरा पूरा आराम कर रहे हैं, आराम कर, हमें तो जनाब नींद ही नहीं आती इन चीजों के ऊपर, नींद ही नहीं आती जनाब जब तक नरम उदास बिस्तर ना हो जाए, नींद आएगी जनाब, फिर सुबह ये अकेली भी खड़ी थी बेचारे, वो सबकी खराबी जो है उसका बहाना कर देती, वो जी सर्दियां ने लगी बिस्तर बड़ा गर्म किया नहीं खुली, वो जी गर्मियां ने लगी पंखा चल रहा है उठा नहीं देता, क्या के दिन ये बहाने नहीं चले। और अल्लाह को मनाना है तो मैं पीराने पीर की दो बातें आपको बता रहा हूं, एक आप फरमाते हैं कि आप वली ने अपनी जो है पहला स्टेप रखा है विनय का, और मेरा पहला स्टेप मैं तुम्हें बता रहा हूं उस सबक है जो मेरी मां ने दिया था, वो है सदाकत, सच बोलना बस। आज मेरे मुआशरे में हर जगह झूठे, कारोबार में झूठे, रेल में झूठे, गली बाजार में झूठे, बच्चों की जुबान में झूठे, और हर जगह झूठे। अब कैसे होगा, कभी सोचा कि झूठा कितना हदीस में साफ करी वही झूठा के लिए है, और अगर लानत है, लानत है पुराने टीम में तो वो कादिबीन के लिए झूठों के लिए, हम कहते थे उसमें झूठ चलता ही, हालांकि बुराई को तो दलील ही नहीं बनाया जाता, बुराई कौन सी दलील बनाई जाती है, यदि सियासत में झूठ ही चलता है कुछ जो है झूठे को एतराज करो, ये कौन सा तरीका है, सियासत में झूठ चलता ही है, बुराई को दलील नहीं बनाया जाता, इसलिए हुजूर पीराने पीर ने पहला जिक्र किया। और अगली बात आपने जो फरमाई, और ये भी ना समझ लेना कि वो हमारी तरह से सूफी थे और ये जो है जुबे कुबे आपने पहन लिए तो हमारी तरह से, उनके अगर तैयार किया हुआ शागिर्दों को देखना हो, शागिर्दों को देखना हो तो वो जो ये अंग्रेज आजकल कहते हैं ये बातें करते हैं, ये कहा करते हैं बच्चों को जो सलाह दी ने कमे, ये सुलह होती नहीं होगी, ये शागिर्द है, ये मुतअक्किद है पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर की, हमने सूफियों ने कौन सा जो है शगिर्द तैयार किए, भी ऐसे मुझे हेल्प भी आ जाए, ये तो वो जो है रफ्ती साहब जो है रोते पीटते चले गए, हमें जिंदगी का मकसद भी, हम भी कहते थे इकबाल यार सुनते थे डॉक्टर जीन अब्दुल्ला बड़े बड़े लोगों से, वो कहते थे इकबाल यार पढ़ लिया करो इसके ऊपर अमल तो करता ही कोई नहीं, या कोई शेर पढ़ दिया करो बस इतनी बात है, बाकी इसके ऊपर अमल करना तो हमने आके फिर सुना जिंदगी में कि एक ऐसा भी जो है हीरा आया जिसने इकबालियात के ऊपर सब जो है लोगों को मतवजे किया कि आप इकबाल को तो पढ़ो कम अज कम, वो कैसा गया है इसके रसूल का कुछ का है और इसके रसूल के लिए कैसा गया है, तो ये भी बता गए, ये भी कोई बता नहीं, हम तो सिर्फ जो है मैं अपने इलाके की बात आप हमारे इलाके में कहते थे जो खत्म नबूवत के ऊपर बोलता है खत्म नबूवत का पहरा देता है खत्म नबूवत के लिए खड़ा होता है खत्म नबूवत के लिए किसी की तहिन करता है, अल्लाह तबारक व तआला मालिक के तुम अगर जितना गुनाहगार क्यों ना नबी की नबूवत के सदके में जन्नत में दाखिल हो, हम तो ये समझते हैं ना ये खत्म नबूवत का जो है ये आसान है यार, हमें बड़ी जिंदगी प्यारी है, हम तो जो नहीं मरना चाहते, ये हम तो जना बड़ा जिंदा रहना चाहते हैं, कितना जिंदा रहना है जनाब, कब तक रहना, आखिर मरना है, आखिर मरना है, लेकिन बाबू ने रहमत के मदद से नमर मूतू कबल अन तमूतू मरने से पहले मार, मरने से पहले मार, ये बात का सूफिया बात, तो मरने से पहले
हम सारी सारी रात खड़े रहते थे। मैंने ये बात कही, आधी रात करो करो पिछला, हम में कितने हैं जो उठते हैं सुबह सवेरे और पैगंबर के फरमान सुनते हैं। ये जनाब रिजवान से करीम महबूब करीम तस्लीम के फरामीन है ना कि मुनाफिक आका ने फरमाया उसके ऊपर फजर की नमाज और असर की नमाज बड़ी भारी है। तो साहब इकराम देखते थे कि फजर में कौन नहीं है और असर में कौन नहीं, पता चल जाता था हमें जो है फजर की नमाज की कोई बात नहीं है, एक नमाज गई है तो कोई बात नहीं, मुसलमान है। अरे या बिलाल, ए बिलाल उस आसान पर मुझे सुकून दे जिसमें सुकून मुस्तफा करीम का है। कुल रतअइन फी सलात, लोगो ये समझ लो बात कि मेरा पैगंबर फरमा रहा है मेरी आंखें ठंडी करना चाहते हो नमाज पढ़ो। हमने कहा नहीं ना, नमाज तो पढ़ने क्या करना है, गरीब वाला मस्जिद मस्जिद क्या कहां है कि नमाज ही ना है, रोती है कि नमाज ही कहां है, मस्जिद से ईंट पत्थर से जो है इसका नमाज का नाम है या मस्जिद को छैदों के बाद करने का नाम है। हमने जो है मस्जिद को आबाद करना छोड़ दिया, हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया है, हमने रातों को हाँ ना छोड़ कि पल जो है अपनी जगह पर बैठ जाए, फुहारे सुबह का ही सुबह के उठ के रोने को ना छोड़ बैठना। हाँ शायद अमा मिले अल्लाह हुमे अल्लाह हुम पर इसका जिक्र कर शायद तुझे कहीं अमान मिल जाए। हम तो जरा उठने को भी तैयार नहीं, तो चलो अब तो कभी रातें लंबी कौन है, हमने सिर्फ आधा घंटा पहले उठा और 12 बजे तक जागेंगे जी, 1 बजे जागेंगे जी, क्या बात है जो है सुबह उठना जी, हूँ थोड़ा जी हो जाए कि सुबह छुट्टी है जी तो आ रहे जी, हाँ 10-11 बजे तक सोना है जब सभी हफ्ते में रखांगे जी, हाँ ताकि अगला दिन सारा दिन सवांगे जी। ये जलसा है ना, ये जनाब सारा तबर रोक में मिल गया और मुख्तसर वक्त में लपेट गया मुझे, लेकिन क्योंकि वक्त हो गया तो मैं उसके लिए बहुत सारी बातें दरमियान में छोड़ के पीरा ने पीर की एक बात सुना। आपकी 90-91 साल जिंदगी में 25 साल बड़ा माने के 25 साल तक कोई बिस्तर नहीं, बिस्तर ही कोई नहीं, जंगलों के अंदर और बियाबानों के अंदर रात को दरख्तों के पत्ते खा के पानी पी के रोजा रखना है, दिन को रोजा और सारी रात अल्लाह की इबादत, सारी रात अल्लाह की इबादत। 25 साल में जरा ये अल्लाह को मनाते हुए गुजरेंगे 25 साल का। और फिर अगली बात जो इबादत में इतना आगे हो कि कुरान हकीम से मोहब्बत और इश्क ये हो कि नफ्स कहे जीने के ऊपर चढ़ने लगे, घर की तरफ की थकावट हो गई तो नफ्स निकल तक गया आराम कर, तो अलामा ऐसे फरमाते एक पंग ऊपर जीने में था दूसरा नीचे था तो वहीं खड़े हो गए, कहने लगे अच्छा आराम करना चाहता है, कुरान हकीम अलिफ लाम मीम से शुरू करके वन्नास के फजर से पहले खड़ा हो गया। हमें तो कितने कुरान पढ़ा, यासीन शरीफ पढ़ी हमने, नमाज पढ़ी है, हमें ना खानों की तरह आपके हाथ खड़े कर रहा हूँ, कितने कुरान पढ़ा है, कुरान को देखा है, ध्यान रखती है, चलो क्यों है एक रकू पढ़ा है और फिर भी हम पीराने पीर के मानने वाले, बड़े पीराने पीर के मानने वाले, सुनो कि दिल खुदा है तो सुनो, फिर पीराने पीर फरमाते बेनमाज को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी ना, बड़ा मुश्किल है जनाब, बेनमाज को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ही ना करो। मैं सूफिया की बेनमाज की बात नहीं सुना था, मैं ख्वाजा शरीफ चाचला शरीफ वालों की बात सुना थे, सरेकी की जुबान में फरमाते बेनमाज को भी ना देवी पुत परनाई बेपास है, दूसरे बात बेनमाज को दी ना देनी पुत परनाई बेपास है, बेनमाज के राह में टकरी मुंह फेरी बेपास है, बेनमाज के राह में ना टकरी आन हंडी तपासे पता से सरेकी में तपासे, बेनमाज करूं जरा कुत्ता चंगा जी को साईं भी कदर जना, ये तो सूफिया जो है बयान कर रहे हैं, हम भी गौर करें ना, बड़ा आसान है कहना पीर जो हम बुजुर्गों को मानते हैं, हम औलिया इकराम को मानते हैं, पीरानी पीर की जिंदगी जो है पढ़नी है तो ऐसे तो नहीं है ना, सारी कायनात के वलियों ने यह कह दिया कि हमारी गर्दन जो है उसके ऊपर जो है पीरानी पीर का कदम है, हमने फरमाया सब के ऊपर, बल्कि एक जो है हमारा जो है अपना ही वो कहता जी देखो ना सब के ऊपर होगा, मेरे मुर्शिद की गर्दन के ऊपर तो नहीं, सब के ऊपर हो। जब वो आ गया कहा उनके मुर्शिद से पूछा गया कि तुम्हारा एक मुरीद ये कहता है कि मेरे मुर्शिद की गर्दन के ऊपर नहीं है, उसने बेवकूफ है, वो उस वक्त उन्होंने कहा था उस वक्त जो है उनकी वलियों की गर्दन के ऊपर कदम था, आज जो अपने आप को बना फिरता है वली उसकी गर्दन पे दोनों कदम है फिराने की। कम अज कम हमें सोचना चाहिए, तो मैं जो बात आपको सुना रहा हूँ फिर सुना देता हूँ, इसलिए कि इब्न अली साहब फरमाते हैं कि वही बातें भाई कुरान भी हुई है तो हदीस भी हुई है, वो तो सुनानी पड़ती है जनाब, क्या करें
वीराने फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिलानी की नमाज क्या कुछ वाली थी। हम एक नमाज पढ़े थी नेकियों के जुड़ा बना दिया क्या बड़ा नमाज दिया उन्हें नमाज पढ़े जा रहे अंदर पता नहीं क्या अंदर क्या है नियत खराब है। नियत तो को पूछ लो तो सुफिया में पूछो मैं एक एक बात के बड़े अगर आप चलता रहूं तो फिर जो है बाबू वाले रहमत ने नियत के बारे में कहा है ये रब मिलता नातिया धोतिया मिलता बचिया कुछ ये रब मिलता मोन मुनाया मिलता ले लिया छोटिया हूं ये रब मिलता नस ने मारिया मिलता ठगिया खसिया हूं रब मिलता हूं नानू बाहू नीता जी ना दिया छठिया तो रब मिल जाता रब मिल जाता शादी ले रहा हूं ये फरमाते हैं कि सरदर इशादा ने आला बूर एक शख्स को देखा कि उसने सारा अपना कंकरों के ऊपर हरम के अंदर रखा हुआ कंकरों के ऊपर हम कलीम के ऊपर नमाज पढ़ने को तैयार ये कलीम ठीक नहीं है मस्जिद ठीक नहीं है एसी ठीक नहीं है फलां ठीक नहीं है फलां ठीक नहीं है दूसरा ठीक है कुरान पैगंबर इब्राहिम अलैहि सलाम को कह रहा है कि तवाफ करने वाले और इस कायनात के अंदर जो है वो सजदा करने वाले रुकू करने वालों के लिए अल्लाह के घर को साफ सुथरा रखो। हमने कहा कि जनाब ये अल्लाह के घरों को तो अब्दुल अल्लाह दूसरे रखे हमें जरूरत नहीं हुई सारे रखा हुआ है वकूफ और कह रहे हैं क्या कह रहे अब क्या फरमा रहे कि ऐ मालिक अगर मेरा हिसाब किताब तूने लेना है ना और क्यामत वाले दिन मेरी बुराइयां मेरी नेकियों के ऊपर गालिब आ जाए मेरी बुराइयां मेरी नेकियों के ऊपर गालिब आ जाए तो फिर क्या करना है। पीराने पीर फरमा रहे हैं मुझे नबी ना मरूंगी मुझे नबी ना खड़ा करना है ताकि तुम्हें लेकर शर्मसार ना बाजू ताकि मैं तेरे मकबूल बंदों के सामने शर्मिंदा ना हूं। ये कम अज कम हमें सोचना चाहिए। मैंने दोनों पैगाम दिए इकबाल का पैगाम ही इब्राहिम रजवी साहब का पैगाम है इकबाल का पैगाम ही अफाकी जो है पैगाम है और इकबाल का पैगाम ही सूफिया का पैगाम है अल्लाह ताला ने माशाल्लाह थोड़े वक्त में बहुत कुछ मुझे साहब ने कह दिया। अब मैं मुजाहिदे तहरीक नामोश रिसालत मुजाहिदे तहरीक खत्म नबूवत सफीर अमीर मुजाहिदीन और हमारे जेल के साथी और ये या साहिब या सिजन जी ये तो बड़ी अच्छी संगत है और अच्छे संग करे मैं बड़े करम की इस बात को समझता हूँ कि जब मौलाना खादिम हुसैन रजवी रहमतुल्लाह अलैह जिसमें जिस्म की सलामती के साथ थे तो पहली हमारी सब की हाजिरी जो है ना वो नामोश रिसालत की तहरीक में सबसे पहले हमारे सरखैर थे जनाब डॉक्टर सरफराज।